नमस्ते, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। सुर्खियों के जरिए खबरों का हाल। आज से प्रारंभ होगा रिजर्वेशन काउंटर। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंद सवारी ट्रेनों को फिर से गति मिलने लगी। रेलवे प्रशासन द्वारा 1 जून से देश भर में 200 सवारी ट्रेनों को फिर से शुरू कर रहा है। इसके लिए रिजर्वेशन काउंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मुख्यमंत्री से बातचीत के पहले किसान के खाते में पहुंचा पैसा। जिले के 80,000 किसानों के खाते में लगभग 65 करोड़ रुपए। धमधा के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कनेक्ट हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। खबर सुकमा से, नक्सल मोर्चे पर छुट्टी से लौटे 2,500 जवान होंगे क्वारंटाइन। रेड जोन से 825, ऑरेंज से 900 व ग्रीन जोन से 875 सीआरपीएफ जवान हफ्ते भर में पहुंचेंगे सुकमा। कैंप के संतोषी पारा में डेंगू के फैलने से अच्छा हड़कंप। रैपिड में 12 डेंगू पॉजिटिव, एलाइजा में आधे निगेटिव। अब तक 18,141 घरों का किया गया सर्वे, 238 जगहों पर मिला लार्वा। दिल्ली से 17 मई को दुर्ग पहुंचा परिवार, स्क्रीनिंग में फिर एक पॉजिटिव, पूरा परिवार आइसोलेशन वार्ड में। संक्रमण का खतरा बढ़ा, 2,500 लोग क्वारंटाइन सेंटरों में। दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक चीन ने बीएसपी से खरीदा लोहा, भेजा 40,000 टन बिलेट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।